आज का मंडे नाइट रॉ काफी धमाकेदार रहा। हमें रॉ में शोलो शिकुआ बंदर और जैको फाटो भी दिखते हैं। और अफसोस की बात है कि आज जयेश अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रिटेन नहीं कर पाए और फाइनली ब्रॉन ब्रेकर न्यू चैंपियन बन गए हैं। शोलो शिकुआ बंदर एक बार फिर से ट्रस्ट ब्रेक किए जयेश का। तो गाइस एग्जैक्टली स्टार्टिंग से क्या कुछ हुआ चलो मैं आपको बता दे रही हूं। तो जैसा कि आज के मेन इवेंट में एक मैच होने वाला था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जयेश के बीच, और मैच में स्टार्टिंग से दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को डोमिनेट करते हुए नजर आए थे। लाइक फाइट स्टार्ट ही हो रहा था उसी के बीच में हमें देखने को मिलता है फैंस के बीच की तरफ से वहाँ पे शोलो शिकुआ जैको फाटुआ जाते हैं और जयेश बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे थे। जैसे वो देखे कि शोलो शिकुआ बंदर उनके लिए आया तो जयेश काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। और जब शोलो शिकुआ आए थे ना तो वो ईंट वाला टी शर्ट लेके आए थे, पता नहीं ऐसा बोल रहे थे शोलो शिकुआ जयेश को कि मैं तेरा हेल्प करने आया हूँ यहाँ पर। बट आपको पता है ना जयेश को सब कुछ पता था और वो डाउट में थे कि ये लोग मुझे हेल्प करने आया है या मुझे हराने आया यहाँ पर। अगर आप बोल सकते हो वो लोग डिस्ट्रैक्ट करने ही वाले थे जयेश को, बट जयेश डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाते और डायरेक्ट रिंग में जाते और फाइट करने लगते ब्रॉन ब्रेकर से। और पता है बीच में ये भी देखने को मिलता है कि टांगा लो आते और मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बट जयेश उन्हें भी धक्का मार देते हैं या एक सुपर किक मार देते हैं। और फिर शोलो शिकुआ बंदर तो बहुत ज्यादा ही मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे जयेश को, और जिस मोटिव से आए थे शोलो शिकुआ बंदर वो कर लिए। यानी कि आप लोग कट टू कट क्लियर बोल सकते हो कि ब्लड इन के इंटरफेरेंस की वजह से ही जयेश हार गए। और एक मूवमेंट ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर चाहते हैं और वो सोचते हैं स्पेयर लगाएंगे जयेश के ऊपर बट जयेश वहाँ से हट जाते हैं और डायरेक्टली शोलो शिकुआ बंदर के ऊपर ये स्पेयर लग जाता है। और जैसे ही जैको फाटू देखते हैं कि ये शोलो शिकुआ यानी कि मेरे ट्रैवल शिप के ऊपर अटैक कर रहा है, वैसे ही जैको फाटू गुस्से में आते हैं और वो चाहते हैं कन्फ्रंट करे ब्रॉन ब्रेकर से, बट उनका कुछ हो ही नहीं पाया क्योंकि जयेश ऊपर से डाइव लगा देते हैं जिसके वजह से दोनों डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। और एक मोमेंट ऐसा भी आ गया था जहाँ पे मुझे पर्सनली लगा था कि जयेश जीत जाएंगे क्योंकि जयेश ने काफी अच्छे से स्प्लैश और स्पेयर लगा के पिन करने की कोशिश की थी ब्रॉन ब्रेकर को, बट ब्रॉन ब्रेकर स्वयं किक आउट कर देते हैं। और पता है लास्ट में हमें ये भी देखने को मिलता है कि टांगा ब्रदर्स आते हैं और वो ऑफिशियल्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं जिसके वजह से जयेश हार जाए। फिर तो लास्ट में एडम पियर्स और सिक्योरिटी भी आ जाते हैं और वो लोग टांगा ब्रदर्स को लेके वहां से चले जाते हैं बैक स्टेज। और लास्ट में देखो तो स्पीयर लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर और इसलिए जीत जाते हैं जयेश को हरा कर। और अब आप लोग फाइनली बोल सकते हो कि ब्रॉन ब्रेकर हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए हैं। वैसे गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग खुश हुए ब्रॉन ब्रेकर को न्यू चैंपियन बनता हुआ देख के, मैं तो खुश नहीं हूँ। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।